जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की चुनावी जीत के बाद जेकेएनसी उपाध्यक्ष और नवनिर्वाचित विधायक उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का बहुत आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया, जबकि पिछले 8-10 वर्षों से यहां लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया गया था। अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। वोटरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उनकी जिम्मेदारी थी पोलिंग बूथ तक पहुंचना और अपने वोट का इस्तेमाल करना। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम के जरिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और इन वोटों के लायक जो है वो साबित करें। जम्मू कश्मीर में ये तीन मतलब कदम लिए जाएंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अब डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब स्टेटहुड रह गया है। तो यहाँ हुकूमत बनते ही मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए और वो रेजोल्यूशन लेके वज़ीर आज़म साहब को पेश किया जाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व की आज बैठक, सरकार गठन को लेकर आज श्रीनगर में बैठक। बैठक में जम्मू क्षेत्र के नेता भी शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित विधायकों की भी बैठक श्रीनगर में बैठक होगी, विधायक दल की बैठक कल होगी। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व की आज बैठक है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व की आज बैठक है, सरकार गठन को लेकर श्रीनगर में बैठक होने वाली है। बैठक में जम्मू क्षेत्र के नेता भी शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नव निर्वाचित विधायकों की भी बैठक कल होगी और श्रीनगर में ये बैठक होगी, जिसमें विधायक दल की बैठक होगी। इसमें विधायक दल के नेता के तौर पर कोई नाम भी फाइनल किया जा सकता है, ऐसे भी आसार हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिए इस वक्त एक बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व की आज बैठक है, सरकार गठन को लेकर यानी हुकूमत साजी को लेकर आज श्रीनगर में बैठक है। बैठक में जम्मू इलाके के नेता भी शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक है, श्रीनगर में कल होगी विधायक दल की बैठक। और उमर अब्दुल्ला के बेटे जमीर अब्दुल्ला का कहना है कि केंद्र सरकार ने जेकेएनसी यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें जेएनके के लोगों पर दबाव डालना है तो एनसी ही बीच में खड़ी है। आज लोगों ने अपने वोटों से जवाब दे दिया है, ऐसा उनका कहना था। बिल्कुल है, ज्यादा खुशी है, ये मेरी खुशी नहीं है, ये सबकी खुशी है, जम्मू कश्मीर की खुशी है। जी मैं तो, हम तो कर रहे थे, मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट था, क्योंकि मरकज ने पूरी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करे। फिर लोग पूछेंगे क्यों किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को के ऊपर दबाव डालना है तो एनसी ही सामने खड़ी है। शेख साहब के वक्त जाइए, फरूख साहब के वक्त जाइए, उनको क्यों कमजोर करने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता था कि अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को कमजोर करना है तो इस तंजीम को, इस खानदान को कमजोर करना ही पड़ेगा। और आज लोगों ने जवाब दिया। स्टेटहुड तो है ही है, स्टेटहुड मैं इशू नहीं कहना चाहूंगा, इट्स अ राइट। जैसे मैंने पहले कहा, स्टेटहुड इज नॉट एन इशू, स्टेटहुड इज अ राइट। इट्स अ डेमोक्रेसी, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, पीपल हैव चोजन देयर लीडर एंड हु देयर रिप्रेजेंटेटिव शुड बी। इट इज यूनियन गवर्नमेंट शुड बी गिविंग फुल स्टेटहुड सो दैट द पीपल्स एस्पिरेशंस आर। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने जम्मू क्षेत्र में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया है, जिसके चलते पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। न्यूज 18 जेकेएलएचएच से खास बातचीत में कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्टी जम्मू में उन प्रमुख नेताओं से जानकारी जुटा रही है जिनके जीतने की उम्मीद थी, लेकिन मतगणना के दौरान वो हार गए। पार्टी आने वाले दिनों में एकत्रित किए गए सभी आंकड़ों के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करने की योजना बना रही है। कुछ इंडिपेंडेंट भी जीत के आए, या तो उनको 15 दिन पहले कांग्रेस की मतलब सदस्यता थी या किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदस्यता थी। वो हमारे इनर पार्टी में शायद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर सही टाइम पर सही फैसला नहीं हुआ, ए को मिला, बी नाराज हुआ, वो जंप किया, जीते तो वो इंडिपेंडेंट भी वहां पर या कांग्रेस का ही या नेशनल कॉन्फ्रेंस आइडियोलॉजी का। हमने लगातार उस बात की बात रखी कि एक चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद कोई सरकार बनेगी, चाहे ये बीजेपी की बनती तो वो प्रोरोगेटिव उस सरकार का है, उस काबीना का है कि वो नॉमिनेटेड लोगों का नाम प्रोसेस करे, प्रपोज करे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बैठे।
और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि अनुच्छेद 370 ने राज्य में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति, पत्थरबाजी की घटनाओं को बढ़ावा दिया। जम्मू कश्मीर में बनने वाली सरकार को यह समझना चाहिए कि इस तरह की स्थिति कभी नहीं आएगी और न ही कोई इसे आने देगा। केंद्र सरकार इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी क्योंकि यह एक सीमावर्ती राज्य है। ने इस प्रदेश में अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दिया है। पत्थरबाजी इसी के कारण से हुई है और सरकार जो भी आती है उसको समझना चाहिए जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति द्वारा ना तो कोई लाने देगा ना लाने देंगे। इसके लिए जितना भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी करेंगे, लेकिन केंद्र पूरा इस पर ध्यान रखेगा क्योंकि हमारी बॉर्डर स्टेट है। इसमें कुछ गलत एलिमेंट्स काम ना करें तो इसलिए उनको सतर्क रहना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान की सराहना की है कि नई सरकार विधानसभा के पहले सत्र में राज्य का दर्जा बहाल करने पर जोर देगी। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस पार्टी की भी प्रमुख मांग है और वो इस पर नई सरकार का पूरा समर्थन करेंगे। शर्मा ने माना कि उनकी पार्टी ने चुनाव में खराब प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे जम्मू क्षेत्र में इस खराब प्रदर्शन पर आत्मचिंतन करेंगे। विधानसभा पोल्स के रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। कांग्रेस ने कुछ छह सीटें ली हैं। बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, खासकर जम्मू क्षेत्र में, लेकिन कांग्रेस की जो हालत रही है वो बहुत ही खराब रही है। और जम्मू की 29 सीटों पे चुनाव लड़ा और सिर्फ एक सीट जीती है, वो भी राजौरी की सीट। क्या रीजन रहे, क्यों पार्टी इतना ज्यादा 2014 की तरह इस बार भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ स्पोक्सपर्सन रविंदर शर्मा। शर्मा जी, सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपको कि इतनी खराब स्थिति, वजह क्या रही और पार्टी क्या इंटरप्रेट करेगी? देखिए, पहले तो जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि जो जनादेश उनका है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने का है और उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं। जनादेश कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में है। पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे और एक बड़ा संदेश जम्मू कश्मीर ने दिया है देश को कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो दावे पेश करती थी जम्मू कश्मीर को लेकर के, देश को गुमराह करती थी, आज से वो बंद हो जाएगा। कि वो कह रहे थे हम सत्ता सरकार बना रहे हैं, 50+ ले रहे हैं, जरा उनसे भी पूछना चाहिए कि वो तो उन आंकड़ों के नज़दीक नहीं पहुंचे। उन्होंने उन दलों के साथ, उन निर्दलियों के साथ सांठगांठ रखी थी, की थी, जिनके हाथों में कोई दूसरे झंडे होते थे। और जब उनको सत्ता चाहिए, हम तो किसी को गाली बकते नहीं, विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन बीजेपी जो उनसे दूर जाए वो देशद्रोही, प्रो पाकिस्तान, जो नज़दीक आ जाए वो हिंदुस्तानी और देशभक्त हो जाता है। हम तो डेमोक्रेसी आप अपनी बात है। बड़ा जनादेश ये है और उसके बाद ये ठीक है। कश्मीर वादी में हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, जम्मू में भी कोलिशन का हमारा मंत्र जो है उससे पूर्ण बहुमत मिला, नहीं तो बीजेपी ने पूरा आप अपनी बात बल लगाया था जम्मू में। आप इतना बुरा क्यों? 5-4 बार आए, गृह मंत्री आए, वो सब लोगों ने उन्होंने जो नैरेटिव जम्मू में दिया उन पार्टियों के खिलाफ जो उनके सहयोगी रहे, तो कई वजूहत हो सकती है जिस वजूहत पे पार्टी आंकलन करेगी, इसमें जरूर हम भी मानते हैं, लेकिन जम्मू में भी साथ दिया। कुछ जो जगह पे हमारा बड़ा नजदीक का कंटेस्ट हुआ और जरूर हम नहीं जीत पाए, ये चिंता का विषय रहेगा, इसमें जरूर पार्टी हाईकमांड अपने तरीके से आकलन करेगी। ये मीर साहब कहते हैं, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि हमारे चुनाव, कई कैंडिडेट चुनाव जीत रहे थे लेकिन वो फिर हार गए, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को भी आप उस पर? मैं ये कह रहा हूँ कि जो जम्मू में जनता में परिवर्तन की लहर थी और कई जगह पे मैंने कहा ब्लोट कंटेस्ट भी रहा, जो जनता में दिख रहा था वो जो है वो चुनाव के नतीजों में नहीं दिखा। इस पर हम गहराई में फीडबैक लेंगे क्योंकि कई जगह क्लोज कंटेस्ट होता, क्लोज कंटेस्ट में वो निकल जाते तो हम मान सकते थे, लेकिन कई जगह मार्जिन बहुत ज़्यादा, जो कि शक है आपको कहीं ना कहीं कई वजूहत हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो खुलम खुले बीजेपी का समर्थन कर रही थी, सरकार का कर रही थी, बहुत ऐसी इलीगल प्रैक्टिस हुई, शिकायत भी हुई, कोई अमल नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। वो वजूहत के अलावा भी हम जानना चाहेंगे क्या वजूहत रही, पार्टी के अंदर क्या वजूहत रही और
और क्या वजूहत हैं, हम ऐसे कोई कमेंट नहीं करेंगे। इसमें जरूर शक है, नहीं है कि जम्मू में उतना समर्थन जितना उम्मीद करते थे। और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आपको लगता है कि अच्छी तरह से नहीं? देखिए, उन बातों पे पार्टी के फोरम में चर्चा होगी, सीट शेयरिंग भी है और भी है, चर्चा करेंगे। अभी उस पर प्री मैच्योर कोई बात नहीं करेंगे। जरूर इस बात का नुकसान हुआ है जम्मू में कि हमें सीटें जम्मू रीजन से एक ही सीट मिली है और उसमें धार्मिक आधार पर भी कोई सीट नहीं मिली। और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की उमर अब्दुल्ला की मांग पर वरिष्ठ बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का समर्थन करती है, लेकिन इसे तभी बहाल किया जा सकता है जब केंद्र सरकार सुरक्षा और अन्य संबंधित मुद्दों पर संतुष्ट हो। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की उस टिप्पणी का भी स्वागत किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अनुच्छेद 370 की बहाली पर केंद्र सरकार में बदलाव का इंतजार करेंगे। इलेक्शन के नतज आए और उसके बाद ये तय हो गया कि अब यहाँ नई सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की बनेगी, और आज उमर अब्दुल्ला ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कश्मीर श्रीनगर में, और कई चीज़ों को उन्होंने छुआ। उन इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। गुप्ता साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कल दिन भर हम बात करते रहे कि बीजेपी को 29 वो अब पुराना, लेकिन आज नई डेवलपमेंट ये है कि उमर अब्दुल्ला जो कि अब सीएम बनने वाले हैं, जाहिर तौर पर उनकी कल लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग है और एक दो दिन में शपथ भी वो लेंगे। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जो बिजनेस आएगा, जो असेंबली का सबसे बड़ा बिजनेस, पहला बिजनेस होगा, रेजोल्यूशन एक आएगा कि हम स्टेटहुड का दर्जा वापस लेंगे। ये उन्होंने कहा है और ये कहा है कि स्टेटहुड का जो है वो सबसे बड़ा मिशन हमारा रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी है कि स्टेटहुड वापस मिलेगी, लेकिन सही हालात ठीक प्रकार से सारा सिस्टम चलने पर। लेकिन अब देखते हैं सरकार किस प्रकार से इनका रवैया रहता है। जब सब कुछ ठीक रहा तो ये तो भारतीय जनता पार्टी पहले से कह चुकी है, इसमें इन्होंने कोई नई बात कहनी ऐसा तो है नहीं। यहाँ कोई रेजोल्यूशन मुझे लगता है कि इस प्रकार का लाने की जरूरत है, तो जानबूझकर उन चीज़ों को तूल देने की एक प्रयास किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर कमिटमेंट किया, प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने कल याद भी दिलाया, जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको मुबारक दी उस पर उमर अब्दुल्ला ने रीट्वीट किया और कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे जो मसले हैं खासकर स्टेटहुड का बाकी चीज़ें हैं उसको आप जल्द से जल्द हल करें ताकि सेंटर और स्टेट का जो एक अच्छा एक रिलेशन रहे। देखिए, रिलेशन अच्छा रहना चाहिए तभी सरकारें चलती हैं, लेकिन देश विरोधी बातें करके इस तरह, ये देश विरोधी आपको लगता है स्टेटहुड की रेस्टोरेशन? नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे इन्होंने रखा था 370 को वापस लाएंगे, पत्थरबाजों को छोड़ेंगे, पाकिस्तान से बात करेंगे, स्टेटहुड आप मानते हैं कि ठीक है? वो तो सरकार पहले ही भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है, जब उपयुक्त समय होगा तो जरूर स्टेटहुड वापस दी जाएगी। आर्टिकल 370 पर उन्होंने आज कहा है कि ये हमारे मंशूर में है, लेकिन हमें पता है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देने वाली नहीं है, हम वेट करेंगे, नई गवर्नमेंट बनेगी, नया प्राइम मिनिस्टर होगा, तब उनसे हम बात करेंगे और कुछ ना कुछ वहाँ से हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि ये एजेंडा में तो है, लेकिन हम भी मानते हैं हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं, हमारा स्टेटहुड अच्छी बात है। समझदारी इसी में है कि जो चीज़ें दरिया में बह चुकी हैं उसमें उसके ऊपर फोकस ना करें। इस धारा 370 ने कितनी तबाही की जम्मू कश्मीर में, ये इनके सभी लोग जानते हैं, तो उन चीज़ों को जिंदा मत करिए, इसलिए अपने दायरे में रह करके काम करिए तो अच्छा रहेगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लाइट्स। हरियाणा में बीजेपी को बहुमत 48 सीट के साथ विधानसभा चुनाव में लगाई जीत की हैट्रिक, रचा इतिहास। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक, कई अहम फैसलों पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने हरियाणा के चुनावी नतीजे को मानने से किया इनकार, चुनाव आयोग में करेगी शिकायत। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा लोकतंत्र की हार और तंत्र की हुई जीत, जहां हारने की गुंजाइश नहीं थी वहां भी हारे। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा अति आत्मविश्वास ठीक नहीं, किसी चुनाव को हल्के में न ले कांग्रेस। हरियाणा में मिली बड़ी जीत पर बीजेपी ने कुरुक्षेत्र में निकाला रोड शो, कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल, जनता का जताया आभार।
जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। पीडीपी के युवा प्रभारी और विधानसभा सीट से सफल उम्मीदवार वहीदुर्रहमान पर्रा का कहना है कि उनका प्रयास जम्मू कश्मीर के लोगों की बुनियादी समस्याओं का समाधान करना होगा। इस चुनाव में पीडीपी के निराशाजनक प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें सभी राजनीतिक दलों का सामना करना पड़ा है। वहीदुर्रहमान पर्रा ने पुलवामा विधानसभा सीट से अपने प्रतिद्वंद्वी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद खलील बंद को 8,000 वोटों से हराया। वहीद ने अपनी सफलता के लिए पुलवामा के लोगों को धन्यवाद दिया। और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जब जावेद अहमद राणा मेंढर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों ने खुशी का इजहार किया और उनके पक्ष में नारे लगाए और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। विधानसभा सदस्य जावेद अहमद राणा ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि यह मेंढर के लोगों की जीत है और उन्होंने ईश्वर की इच्छा से मेंढर के विकास के लिए काम करना जारी रखने की कसम खाई है। सोनमर्ग में विदेशी पर्यटक की मौत, 84 वर्षीय विदेशी पर्यटक की मौत हो गई, गिरने से मौत हुई है। ये खबर आपको दे रहे हैं सोनमर्ग से। सोनमर्ग में विदेशी पर्यटक की मौत हो गई है, 84 वर्षीय विदेशी पर्यटक की गिरने से मौत हो गई है। मृतक पर्यटक टेक्सास के डलास का रहने वाला था। रमल अलाउद्दीन राजाबाली के रूप में यह पहचान हुई है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है। तो सोनमर्ग से इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। सोनमर्ग में विदेशी पर्यटक की मौत हो गई है, 84 वर्षीय विदेशी पर्यटक की गिरने से मौत हो गई है। मृतक पर्यटक जो है वो टेक्सास के डलास का रहने वाला था। रनमल अलाउद्दीन राजाबली के रूप में उसकी पहचान हुई है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक अहमद करार ने कहा है कि वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को बारवाद देने आए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से 5 असेंबली मेंबरान की नामजदगी पर उन्होंने कहा कि ये आईन और जमहूरियत के खिलाफ है। करार ने एक कार्रवाई शुरू कर दी है और देखते हैं कि वो कहां तक जा सकते हैं। की तरफ से हमारे इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी के जी के साथ यहां डॉक्टर फारूक साहब को और उमर साहब को फॉर्मल तरीके से मुबारकबाद कहने आए थे। इसके बियॉन्ड अभी कोई बात नहीं है। वो जैसा कि कल उमर साहब ने कहा है कि उनकी फॉर्मल तरीके से जो लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी उसके बाद वो अलायंस पार्टनर्स से बात करेंगे, तो लेट दैट हैपन। पहले इनकी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी, उसके बाद वो हमसे जो भी मामलात हैं कि फॉर्मेशन के बारे में लेटर ऑफ सपोर्ट है और वो उसके बाद होगा। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल तरीके से सोलंकी जी के साथ यहां उनको मुबारकबाद देने आए थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं काफी देर से ये मेंटेन करता आया हूं कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक, और उसके बाद में हमने एक कार्रवाई शुरू की है। लेट अस सी कि उसमें कहां तक हम कामयाब होते हैं, लेकिन जहां तक उनका इंडक्शन और उनका सपोर्ट टू बीजेपी होगा दैट इज वेरी ऑब्वियस। आई डोंट फाइंड एनी सच प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू दैट। और डीपीएपी के जनरल सेक्रेटरी और डोडा ईस्ट के उम्मीदवार अब्दुल मजीद वाने ने अपनी शिकस्त के बाद कहा कि वो उन लोगों के शुक्रगुजार होंगे जिन्होंने डोडा हलके में उन्हें वोट दिया। वाने ने कहा कि जो भी हुकूमत बने वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करे और उन्हें तरक्की और रोजगार पर तवज्जो देनी होगी। टेरिटरी की सरकारें बनती हैं, इनके पास पावर्स नहीं होते क्योंकि ये सारी डेलीगेशन ऑफ पावर्स पहले ही हो चुके हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दिए गए, यहां किसी को एसएचओ करने की पावर, ट्रांसफर करने की पावर नहीं होगी। यहां निजाम में कोई भी आएगा अगर एसएचओ की पोस्टिंग और ट्रांसफर करनी होगी वो नहीं कर सके। तहसीलदार साहब के ट्रांसफर पोस्टिंग करनी होगी नहीं कर सके, क्योंकि हर एक फाइल जो जाएगी वो एसडी साहब के पास जाएगी, चाहे वो ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, पॉलिसी हो, प्रोग्राम हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ही एक
जो उनकी जिम्मेदारी है उसको जिम्मेदारी को अदा करना है। अब सरकार अगर बनती है सरकार का क्या तरीका कार होगा ये मैं नहीं जानता, उनको उनकी सोच क्या होगी। सरकार बनेगी इन्हीं दिनों में, दो चार दिनों में बन जाएगी, उनका एक रोल होगा। लेकिन मेरा यही होगा सरकार से कि सरकार बेरोजगारी की तरफ ध्यान दे, सरकार मुश्किलात लोगों के हल करे। 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं रियासत जम्मू कश्मीर में और यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हुए हैं। लोगों ने इस बार क्या है भरोसा किया है, जो सरकार चुन के आएगी उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, छोटी जिम्मेदारी नहीं होगी। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उनको रात दिन करनी पड़ेगी। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी के 2 जवानों को अपहरण कर लिया और जिसमें से 1 चकमा देकर वापस आ गया, उन्हें चकमा दिया वापस आ गया। वहीं दूसरे जवान के लापता होने की खबर थी, सैनिक की जंगल से लाश बरामद कर ली गई है। अब ये अपडेट इस बारे में, फिलहाल सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने जिन 2 टेरिटोरियल आर्मी के 2 जवानों का अपहरण किया था उनमें से 1 को चकमा देकर वापस आ गया, लेकिन वहीं जो दूसरे लापता सैनिक जो है, जो जवान है टेरिटोरियल आर्मी के, जंगल से उनकी लाश बरामद की गई है। ये अब अपडेट है, इससे पहले हमने आपको ये जानकारी दी थी कि तलाशी अभियान जारी, लेकिन अब ये खबर है उसमें कि दूसरे जो जवान थे जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी के जो दूसरे जवान थे जिनको आतंकियों ने गिरफ्तार अगवा कर रखा था, तो उनकी जंगल से लाश बरामद की गई है। फिलहाल सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लापता हुआ आज 9 तारीख को, इसकी लाश कहीं से बरामद हुआ, हमें बहुत दुख है। जब हमने सुना, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, इसके 2 बच्चे हैं, इसकी बीवी है, छोटी छोटी परिवार है इसके बच्चे, गवर्नमेंट से अपील करते हैं इसके परिवार का खास ख्याल रखा जाए और इसको इंसाफ मिलने चाहिए। बाकी ये बहुत शरीफ लड़का था, पता नहीं ये वजूहत क्या हुआ, इसकी लाश अभी मिला है, क्या वजूहत है इसकी डेथ क्यों हुआ है। अच्छा वह दुख अमस बच्चे सुन ये बच गो गो बिचार गया ड्यूटी ये ड्यूटी आलरेडी वन अस आमुत कल घर पे द्रव रात सुबह पता अमिस पे क्या जुलम गो ये क्या आव तुल क्या मारन अच्छा तरन फिक्र ये क्या दलील। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिला है, लेकिन जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतकर रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में जीतने वाले नेताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को 49 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर में भले ही बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन यहां बीजेपी ने कई मानों में रिकॉर्ड बनाया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन रहा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 29 सीटों पर परचम लहराया है। पिछली बबार के मुकाबले बीजेपी ने 4 सीटें ज्यादा जीती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। गुरेज में बीजेपी बहुत कम अंतर से हारी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का वोट शेयर एनसीए और कांग्रेस से ज्यादा है। घाटी की 13 सीटों पर बीजेपी को हिंदू सिख आबादी के अनुमानित प्रतिशत से ज्यादा वोट मिला, यानी कि घाटी में कई मुसलमानों ने स्पष्ट रूप से बीजेपी को वोट दिया। साफ है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के लिए बीजेपी की मौजूदगी का मिथक टूटा। 370 हटने के बाद घाटी में बीजेपी को अच्छा समर्थन मिला। चुनाव में पीडीपी का लगभग सफाया हो गया। जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। कांग्रेस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम रही। चुनाव में जमाते इस्लामी का असर नहीं पड़ा और अलगाववादियों का भी चुनाव में कोई असर नहीं दिखा। बात पीडीपी की करें तो विधानसभा चुनाव में पीडीपी को महज 3 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें गई। नतीजों के बाद अब यह तय हो गया है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में अगले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।